वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान के बारे में जानेंगे जो हमारे कंट्री में चलता है, मतलब इंडिया में। तो एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर बोला था मैं वीडियो बनाने के लिए, जब उस वीडियो पे जो हमने बनाया था दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के ऊपर, उस पर किसी ने कमेंट किया था, तो इसीलिए हम लेके आए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सही मायने में CDS एग्जाम के लिए भी, या कोई भी एग्जाम के लिए जो आने वाला है। अब से जो एग्जाम आएगा 2018 तक, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे 5 ईयर का प्लान है वो कब से था और क्या था और अभी क्या हो गया है। सबसे पहले जानिए कि 1947 से 2017 तक इंडियन इकोनॉमी का जो सब कुछ चलता था वो ये प्लान के हिसाब से ही चलता था, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान जैसे बोलते थे। और ये कब तक चला, 5 ईयर प्लान क्या करता था, डेवलप करता था, एग्जीक्यूट करता था और मॉनिटर करता था हमारे प्लानिंग को। तो ये चला 1951 से लेकर 2014 तक। उसके बाद आया नीति आयोग 2015 से 2017 तक। अब जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन थे एक्स ऑफिस के भी। द कमीशन हैज नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरमैन हु होल्ड्स द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। अभी जो कमीशन है, नीति आयोग जो बना गया है, प्लान जो हमारा 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक प्लान था उसे नीति आयोग में ट्रांसफर कर दिया गया, उसको एक चेयरमैन दिया गया है जिसे कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, और उनका जो नाम है वो है मोन्टेक सिंह अलूवालिया। वो लेटेस्ट डिप्यूटी चेयरमैन है ऑफ द कमीशन, ठीक है। तो 11th प्लान कंप्लीटेड इट टर्म्स ऑन मार्च 2012 एंड 12th प्लान करेंटली अंडरवे। मतलब 11th प्लान मार्च 2012 में ख़त्म हो गया था और अभी 12वां प्लान चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो नया गवर्नमेंट है जो नरेंद्र मोदी को लीड कर रहे हैं, जो 2014 में बनी थी, उसने इस कमीशन को डिसोल्यूशन कर दिया है, मतलब हटा दिया है और एक रिप्लेसमेंट दिया है नीति आयोग, ठीक है। एंड एक्रोनिम फॉर, मतलब इसका जो ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है नीति, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर, देखते हैं और क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कौन से प्लान्स अभी आ चुके हैं, कब से शुरू हुए। तो पहला शुरू हुआ था 1951-1956 तक पहला प्लान, फिर सेकेंड प्लान था 1956-61, फिर तीसरा प्लान, फिर चौथा प्लान, फिर पाँचवा प्लान, फिर रोलिंग प्लान। ये एक्चुअली हुआ था कि जब जनता दल पार्टी बनी थी तो उसने अचानक से ही उसको वो हटा दिया था और 2 साल के लिए रोलिंग प्लान बन गया था। फिर 6th प्लान, 7th प्लान, 8th एनुअल प्लान। इस टाइम इलेक्शन का बहुत ज़्यादा मारामारी हो गया था और पॉलिटिकल जो समीकरण है हमारे देश का बहुत ही ख़राब हो गया था, उसी कारण से उस टाइम भी वो 7th आगे का प्लान बन नहीं पाया था, इसलिए फिर एनुअल प्लान एक निकाला गया था 2 साल के लिए जो चलाया गया। फिर 8th प्लान आया, 9th प्लान आया, 10th प्लान आया, 11th प्लान आया जो ख़त्म हो गया, 12th प्लान आया। अब हम दोस्तों कुछ जो रिसेंट है, देखिए क्वेश्चन हमारा उस पर डिपेंड करेगा जो अभी का है। तो अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या है, 12th प्लान जानना। तो हम 12th प्लान देखेंगे, 12th प्लान के बारे में देख लेते क्या क्या। 12th ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट वंस डायरेक्शन विल हेल्प इन डूइंग सो ग्रोथ रेट एट, ठीक है। अब ये जो है एक ग्रोथ रेट मेंटेन करने की बात थी इतने के ऊपर, तो अब उसके हिसाब से करेंगे। With the deteriorating global situation, the deputy chairman of the planning commission, Montek, has said that the achieving an average growth rate at 9% in the next 5 years is not possible. The financial growth target has been set as 9% by the endorsement of plan at the National Development Council meeting. जो Montek से अलवालिया उन्होंने बोला है कि इस deterioration से जो global situation है इतना खराब हो रहा है economic का, उस basis पे हम 9% growth पे काम नहीं कर सकते अभी, ठीक है। अगला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ एन एवरेज 9% इन द 12th प्लान। आई थिंक समवेयर बिटवीन 8 and 8.5% चालू वाले ने बोला है कि हम 8 से 8.5% तक इस पर ध्यान देंगे कि हो जाए, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि स्टेट प्लानिंग्स को लेके बहुत सारा कुछ था, तो अप्रूव हुआ है लास्ट ईयर। अब उसके बाद जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5% उस पेपर पे है, अभी कुछ हुआ नहीं है, बस पेपर बन गया कि हाँ हो सकता है। उसके बाद है व्हेन आई से फिजिबल दैट विल रिक्वायर मेजर इफेक्ट, इफ डोंट डू दैट देयर इज नो गॉड गिवन राइट टू ग्रोथ रेट एट 8%। आई थिंक गिवन दैट द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिटेरियरेशन वेरी शार्पली ओवर द लास्ट ईयर, द ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 12th प्लान
6.5 to 7%। उनका बोलने का कहने का मतलब है कि अगर हमें 8% का ग्रोथ करवाना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर्स और बहुत ही राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके हम पहुँच पाएंगे। और जानते हैं कि 12 से 13 जो साल था उसमें जो ग्रोथ रेट था हमारा वो 6.5 से 7% तक ही था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ही ऑल्सो इंडिकेटेड दैट सून ही वुड शेयर हिज व्यूज विद अदर मेंबर्स ऑफ कमीशन टू चूज अ फाइनल नंबर टू पुट बिफोर द कंट्रीज एंड रिसीव फॉर हिज अप्रूवल। अब वो बता रहा है कि हम एक नंबर पुट आउट करेंगे कमीशन की तरफ में उसको देखने के लिए क्या कौन सा सही है, और उसको एनडीसी अप्रूव करेगा, तभी जाके हम लोग उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ ये नंबर पे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। अप टू द 12th प्लान इज टेकन ऑफ, इट इज येट टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड। द प्लानिंग कमीशन सेट अ डेडलाइन फॉर सितंबर फॉर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ एनडीसी। द काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू मीट आफ्टर जुलाई सब्जेक्ट टू द कन्वीनियंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट इज मेनली फोकस्ड ऑन हेल्थ। द स्टेटस ऑफ 12th प्लान इज क्वेश्चन ड्यू टू द डिसॉल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो 12th प्लान का जो स्टेटस है वो तो खत्म हो गया क्योंकि डिसॉल्यूशन कर दिया है प्लानिंग का नीति आयोग लाके, तो अभी भी उसको उसका अप्रूवल कितना परसेंट वो अभी बाकी वो भी, और जो मीट है वो एक मीट डिसाइड किया गया है इसको लेके, तो वो ऐसा डिसाइड किया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर कन्वीनियंस, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारा काम होता है तो उस जगह उनको बाहर का दौरा करना है और बहुत सारे काम है जो कर रहे हो एक्टिवली, तो उस चीज़ को करने के लिए तो उस हिसाब से एक मीटिंग लिया गया अभी जो कि कंप्लीट होगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारे पास इसका कोई फाइनल नंबर नहीं है कि हम इसे पता कर पाए। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों जो इसकी जगह पे आया है नीति आयोग, ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं क्योंकि सारा जो क्वेश्चन आएगा ये मैक्सिमम इसी से आएगा, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छे से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले जो नीति है वो क्या है? हिंदी फॉर नीति आयोग मतलब क्या हो गया, एक है क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक प्लान ही बनाया है प्लान कमीशन जो, और जो नीति आयोग है नीति जो स्टैंड करता है वो है नीति का प्रोग्राम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी है आपको करने के लिए। और इस्टेब्लिश कौन किया, एनडीए गवर्नमेंट ने टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को हटाने के लिए, विच फॉलोड द टॉप डाउन मॉडल। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो हमारा था वो टॉप डाउन मॉडल था, मतलब ऊपर से लोग डिसीजन लेते थे, पहले ऊपर होगा फिर नीचे होगा फिर नीचे 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 ऐसे जाता था, ठीक है। मान लीजिए अपने घर में हो गया, आपके अगर पापा को डिसीजन कर रहे थे तो उसके बाद बाकी लोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो है नीति आयोग, ये है बॉटम अप अप्रोच, मतलब पहले बेसिक लेवल पर नीचे काम किया जाएगा लाइक फॉर द पहले जनता के लिए, उसके बाद ये ऊपर जाएगी चीज करने को, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नीति आयोग का फॉर्मेशन अनाउंस की थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है याद रखिएगा। और जो इसका पहला मीटिंग हुआ तो वो 8 फरवरी 2015 को, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ऐसे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इसके बने थे जो गवर्नमेंट, और जो इसका गवर्निंग काउंसिल था वो कंसिस्ट करता था 40 चीफ मिनिस्टर्स स्टेट के, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड द वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन एडिशन टू द फुल मेंबर्स देयर आर 2 पार्ट टाइम मेंबर्स एंड 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये लोग हैं, इतने लोग मेंबर है इसके। द टेंपरेरी मेंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो टेंपरेरी मेंबर है वो लोग लीडिंग यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से चुने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर आगे जानते हैं, तो ये कैसे आया ये जानना है। देखिए 29 मई 2014 को इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन हुआ, सबमिटेड जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था प्राइम मिनिस्टर को विद द रिकमेंडेशन टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद अ कंट्रोल कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना था कंट्रोल कमीशन से, तो एक रिपोर्ट दिया गया 19 मई 2014 को। फिर 23 अगस्त को यूनियन कमीशन स्क्रैप द प्लानिंग कमीशन, 23 अगस्त को प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया to replace a diluted version of National Advisory Council, एक version set up करने के लिए National Advisory Council of India। अब इसी चीज़ को बाद में नीति आयोग के नाम से इसको proceed किया गया और जो था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और ये पहला मीटिंग इसका जो हुआ था 8 फरवरी 2015 याद रखिएगा दोस्तों, जिसको चेयरमैन लीड किया था नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब हम जानेंगे ये
आया कैसे था। अब जैसे प्राइम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था क्रिएटिंग नीति आयोग के लेकर, वो था द 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन हैड बिकम अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज रिलेवेंट इन ए कमांड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बट नॉट एनी लॉन्गर। अब जो ये चीज़ प्लानिंग कमीशन 65 साल पुराना है, 65 साल में हम लोग बहुत आगे चले गए हैं, बहुत कुछ हो चुका है, अब भी बहुत कुछ बाकी करना, तो उस चीज़ वो बहुत ही पुराना हो गया था और इस सबसे काम नहीं कर पा रहा था जो अभी के टाइम का ज़रूरत था। बहुत सारे वीक पॉइंट्स थे, बहुत कुछ था और एक कंट्रोलेशन हो ही नहीं रहा था कि लोगों को बेनिफिट्स कैसे पहुँचे। आप ऊपर जो GDP ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा था, बट लोगों के कंडीशन सेम ही थे जो बेस रूट पे रहते हैं। ये आप भी अपने पास पास देखिएगा तो पता चलेगा। तो उसी चीज़ को चेंज करने के लिए ये लाया गया था, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया ये कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बाकी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग कहाँ पर। तो उसी चीज़ के लिए लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये परफॉर्म कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। जहाँ पहले स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन सीएमई प्लानिंग कमीशन में, वो स्टेट का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ इनिशिएटिव मैकेनिज्म विद स्टेट्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस रिकॉग्नाइजिंग। अब देखिए फेडरलिज्म क्या हमारा, पहले वो करे हर किसी को बराबर बराबर वो हक मिलना चाहिए काम करने का, ऐसा बनाया जाए कि जो लोकल बॉडीज वो गवर्नमेंट की तरह काम करें। तो उस चीज़ को फेडरलिज्म को प्रॉपरली इनिशिएट करने के लिए, मैकेनिज्म करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, और ये विलेज लेवल पे प्लान बने, इन सब को लेके ये बनाया गया। फिर टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेशली रिफर टू इट दैट आर इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, कि जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है उसको भी प्रॉपरली इंश्योर किया जाए। ये नहीं कि कोई इसके ऊपर है उसके ऊपर है, हर चीज़ का प्रॉपरली मेजर करें नेशनल सिक्योरिटी का होना चाहिए। फिर स्पेशल अटेंडेंस सोसाइटी, जो सोसाइटी को स्पेशल अटेंशन देना जिसको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता था हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस से। जिसके पहले मैं पहले बात कर रहा था कि कुछ एक जगह बहुत ही डेवलप है और कुछ एक जगह खाली खराब है, मतलब तो कुछ है नहीं वहाँ पे। फिर उसके बाद डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। द लेसंस लर्नड थ्रू द मॉनिटरिंग एंड फीडबैक विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग नेसेसरीली मेड कोर्स करेक्शन। अब मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी और टर्म्स पॉलिसी बनाया जाए जो कि जिसे जिसका इनिशिएटिव लिया जाए और उसको ऐसे मॉनिटर करके रखा जाए कि बाद में कि वो जो मान लीजिए कुछ गलत सामने आ रहा है तो उसको बाद में उसको हटा के दूसरा लगा के प्लानिंग किया जाए, ना कि यही नहीं कि एक ही चल रहा है। फिर टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज एजुकेशनल एंड द पॉलिसी रिसर्च। मतलब देखिए ऐसा करना कि एक एडवाइस और इनकर पार्टनरशिप बनाया जाए जो स्टेक होल्डर्स है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। मान लीजिए कोई बड़े लोग है नेशनली है, उनके साथ जो छोटे पुराने पिछड़े जगह के लोग हैं उनको कनेक्ट किया जाए और इंटरनेशनल लोगों उनको हमसे कनेक्ट किया जाए, ताकि हम बहुत ही अच्छा कर पाए। रिसर्च इंस्टीट्यूशन एडुकेशन को एक साथ लाया जाए कि तो और अच्छा रिसर्च हो और स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ के निकल रहे वो आगे बढ़ पाए। अगला दोस्तों, एक नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम को बनाया जाए नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स को लेके। इसमें बहुत स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि एज अ गाई मुझे भी पता है कि ये चीज़ काम में हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स हमें भी आए हैं जो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना और ऐसा कनेक्शन एक डिपार्टमेंट इशू बनाना जो इम्प्लीमेंटेशन करे, जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है हर एक एरिया को लेके, जो बढ़ना चाहिए वो जो होता नहीं है, तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमारा एक ऐसा एजेंडा प्लेटफॉर्म बने कि एजेंडा वो सब काम है डेवलपमेंट का, जैसे बातें ही होती काम कुछ नहीं होता। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर वी आर रिस्पेक्टरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प ऑफ डिसमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। मतलब ऐसा एक स्टेट आर्ट रिसोर्स मेंटेन करना कि जो गुड गवर्नमेंट्स है उस पर रिसर्च किया जाए, हाँ गुड गवर्नमेंट्स कैसे हो सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगा
सस्टेनेबल और इक्विटेबल वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए, मतलब बराबर और जो फायदेमंद डेवलपमेंट हो उसके लिए, और ऐसा कि स्टेक होल्डर सिर्फ एक के पास ना हो, सबके पास हो बराबर थोड़ा थोड़ा करके। फिर टू एक्टिवली मॉनिटर एंड एवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड रिसोर्स एज टू द स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी। मॉनिटर करना, एवेल्युएट करना, जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसको इनिशिएटिव देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसको स्ट्रेंथन करना कि इसकी जो सक्सेस और डिलीवरी सही सही हो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है हमारा, जो टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, हमारे यहाँ पे भी लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है, बाकी लोग बहुत आगे चले जाएंगे हम वहीं पीछे रह जाएंगे। फिर टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड अबव। क्या करना है हमें, टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। ऐसे एक्टिविटीज देना जो नेसेसरी हो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, उसको कंप्लीट करने के लिए अदर एक्टिविटीज जो किया जा सकता है उसे किया करें। ठीक है दोस्तों, ये इतना था। अब है एक नीति लेक्चर्स बनाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं नीति लेक्चर्स होता क्या। सबसे पहले नीति जो है उन्होंने ये स्टार्ट किया नीति लेक्चर, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द एम ऑफ इनिशिएटिव टू इनवाइट ग्लोबल रिपोर्टर मेकर्स एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू इंडिया। मतलब वो बताना है एक्चुअली, ठीक है, कि कैसे हो सकता है ये चीज़, कैसे नहीं हो सकता है, तभी लेक्चर्स ऐसे अच्छे लेक्चर्स दे कि लोग समझ में। जैसे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर थे, उन्होंने एक लेक्चर दिया था इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर में, बहुत कुछ था। अलग अलग लेक्चर्स अलग अलग लोगों को देंगे तो अलग अलग चीज़ समझ में आएगी हम लोगों को। ठीक है, अब हम जिनको पता है वही बताएंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज क्या करोगे खुद से। तो और उसके बाद है ऑन 31 अगस्त नीति आयोग डेवलप्ड अ स्टेट स्टैटिस्टिक्स हैंडबुक दैट कंसोलिडेट दीज स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस सेक्टर्स फॉर एवरी इंडिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी और द स्टेट डाटा ऑन क्रूशियल इंडिकेटर्स करंटली प्रेजेंटेड अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज। दिस हैंडबुक प्रोवाइड्स अ वन स्टॉप डाटाबेस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट स्टैटिस्टिक्स। अब एक 31 अगस्त 2017 को नीति आयोग ने बुक डेवलप किया, स्टैटिस्टिक्स डेवलप किया, जिसमें आपको कुछ भी मिल सकता है, क्या क्या करंट डाटाबेस है स्टेट का और किसी भी चीज का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मान लीजिए पूछा जाए कि कौन नीति आयोग का बुक कब बना था, कौन से डेट पर बना था, तो 31 अगस्त 2017 को लिख सकते हैं, तो उस बुक में क्या है मान लीजिए पूछा गया तो बता सकते हैं कि हाँ नीति आयोग ने बुक बनाया है जिसमें स्टैटिस्टिक्स दिए सारे स्टेट्स के। ठीक है, इस तरह से फिर नीति लेक्चर्स क्या है बता सकते हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अभी नीति आयोग पे लेक्चर दिया था, हम लोग कह सकते हैं मिस्टर थारमैन ने लेक्चर दिया था। ठीक है, ये है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप सब कुछ याद रखिएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। फिर दोस्तों मेंबर्स, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, MEMBER होता तो मैंने डी गलती से हो गया। ठीक है, अब इसका मेंबर्स कौन कौन है। सबसे पहले नीति आयोग जो कंप्राइज करते कितने, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है हमारे, एज ए गवर्नमेंट काउंसिल कंप्राइज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के रहते हैं, यूनियन टेरेटरीज विद लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, ये लोग हैं एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, यूनियन टेरेटरी विद लेजिस्लेचर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज, जो क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरेटरीज लेजिस्लेचर और जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है यूनियन टेरेटरीज के, दिल्ली और पौंडीचेरी के। फिर रीजनल काउंसिल कंपोज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज इन द रीजन टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज। मतलब हर स्टेट को लेके, हर रीजन को लेके जो लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरेटरी के जो गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, वो लोग हैं कि उस एरिया और रीजन के बारे में बताने के लिए क्या इशूज वहाँ पर हैं। फिर फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कम्पोज ऑफ वाइस चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर्स। अब ये है इंपॉर्टेंट कौन कौन है, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कम्पोज ऑफ वाइस पर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम एक्स मेंबर्स, ये मैंने पहले ही बताया, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेक्रेटरी। फिर एक्सपर्ट एंड स्पेशली इन वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स में जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उसको लाया गया, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी फील्ड का कोई है तो उसको लेके आ रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है ये और बहुत अच्छी बात है उस फील्ड का लोगों के लिए। अब उसके बाद हम लोग सिंपली जान लेंगे क्या क्या है इस कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, वॉइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार,
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह। ठीक है, फिर स्पेशल इन्वाइटेड है नितिन गडकरी, स्मृति जुबिन ईरानी एंड थावरचंद गहलोत। फिर फुल टाइम मेंबर है विवेक देवराव, इकोनॉमिक्स्ट है, बीके सरस्वत, फॉर्मर डीआरडीओ चीफ है रमेश चंद्र, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है डॉक्टर विनोद पाल, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ जो है नीति आयोग के, वो है अमिताभ कंत। फिर सर गवर्नमेंट काउंसिल में ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको कुछ और चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो जरूर से जरूर लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़रूरत है आपकी लाइक्स और हमें आपके कमेंट के। हमें सब्सक्रिप्शन कराएं हमारे चैनल के ऊपर, ताकि आपको हर रोज़ ऐसे वीडियोज़ मिल पाए। हो सकता है एक दिन में कभी 3 वीडियो कभी 4 वीडियो मिल सकते हैं, जिस तरह से हमारा टाइम है हम बना के आपको देते हैं, क्योंकि अदरवाइज भी अगर हम उतने बड़े नहीं होते हैं जब तक हम लोग, तो वी कांट डू फुल टाइम इन दिस, ये आपको भी पता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें हो सकता है जितने दोस्तों के साथ, ताकि आपको ऐसे ही रोज़ अच्छे वीडियोज आपको हम प्रोवाइड कर पाएँ। हम प्रॉपरली एक मैथ्स के अच्छे से अच्छा वो एप्टीट्यूड्स बना के देंगे आप लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें करके देंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा, धन्यवाद।